हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा म्यूचुअल फंड मंडे में, वो है म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन के बारे में। लास्ट वीक ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन में, और उसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस ऐड हुई हैं फ्रेंकली, तो उसके बारे में भी समझेंगे अच्छे से, चेंजेस क्या हुए हैं, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री क्या था, पहले क्या था, क्यों चेंज हुआ है, कैसे, उसके ऊपर बात नहीं करूँगा क्योंकि उसका हमने ऑलरेडी लाइव सेशन किया है और उसका मैं वीडियो का लिंक भी डाल देता हूँ कि क्यों कैसे सब कुछ। मेजरली जो बात यहाँ पर इस वीडियो में होगी वो करंट टैक्सेशन, दैट इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, उसके ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे, सभी कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, कैटेगरी वाइज आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि टैक्सेशन ओवरऑल दिख कैसे रहा है। तो थ्री पार्ट्स में मेजरली टैक्सेशन को डिवाइड किया गया है म्यूचुअल फंड के अब, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है इक्विटी बेस्ड एलोकेशन, मतलब ऐसे फंड्स जो इक्विटी में, मतलब इक्विटी बताया ना, स्टॉक्स में, राइट, स्टॉक्स में 65% से ज़्यादा पैसा डालते हैं लास्ट वन ईयर के एवरेज के हिसाब से, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल ईयर में हम बात कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर में, राइट। तो जैसे 1 अप्रैल 2023 के बाद जो भी उस फाइनेंशियल ईयर में जिस भी फंड ने, अगर आपके फंड ने 65% से ज़्यादा अपना पैसा स्टॉक्स में रखा है तो उसका इक्विटी बेस्ड एलोकेशन टैक्सेशन होगा, ठीक है। वो क्या है इक्विटी बेस्ड टैक्सेशन, वो है कि एक साल से कम अगर आप उस फंड में डालते हैं और एक साल से पहले निकालते हैं, राइट, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, मतलब 15% फ्लैट टैक्सेशन है उसमें आपके गेन्स पे, ठीक है। और अगर एक साल से ज़्यादा रखते हैं आप उन फंड्स में तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, तो मतलब उन गेन्स पे आपको 10% टैक्सेशन देना है और उसमें एक 1 लाख तक का बेनिफिट भी है, मतलब 1 लाख रुपए तक का अगर कैपिटल गेन है एक साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, एक लाख से ज़्यादा जो है उसी पे 10% टैक्सेशन देना है। तो ये रूल पहले जैसा ही है इक्विटी में, कोई चेंज नहीं हुआ है इस वाले सेक्शन में, 65% से ज़्यादा अगर उस फंड ने इक्विटी एलोकेशन लिया है तो, ठीक है। अब हम सेकेंड सेक्शन में जाते हैं, तो ये नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है एक तरह से, वो है कि अगर हमारा इक्विटी का एलोकेशन 35% से 65% है, फंड ने लिया है, ठीक है, तो मतलब आपका जो फंड है वो हाइब्रिड फंड मोस्टली होगा क्योंकि वो मिनिमम जो उसने स्टॉक्स में पैसा डाला है वो 35% डाला है, या 35 से 65% में उसका लास्ट वन ईयर का एवरेज इक्विटी एलोकेशन उसमें है, तो उसका टैक्सेशन कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। उसका टैक्सेशन होगा 3 ईयर्स का लॉन्ग टर्म का आपको मिनिमम पैसा रखना होगा, 3 साल से कम अगर आप उसमें पैसा रखते हैं उस टाइप के फंड्स में, 3 साल से कम रखते हैं तो मार्जिनल टैक्स रेट, मतलब जो भी आपका टैक्स ब्रैकेट है वो आपको पे करना है, उस पर टैक्स देना। तो आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं और जो भी गेन हुआ, मान लो आपने 1 लाख रुपये डाला उस फंड में, 10,000 रुपये का गेन हुआ, तो 30% अगर आप टैक्स ब्रैकेट पे, तो 3,000 रुपये का आपको टैक्सेशन देना है। 3 साल से अगर ऊपर रखा उसमें पैसा, 3 साल से ऊपर रखा अगर, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना है, मतलब फ्लैट 20%, बट इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलेगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है? इंडेक्सेशन बेनिफिट का मतलब होता है कि आपको जो इन्फ्लेशन रेट है, राइट, एक CII इंडेक्स होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट निकालता है, तो इन्फ्लेशन से आपके जो रिटर्न्स हैं वो कम कर दिए जाते हैं। तो मान लो हमें 8%, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, 8% रिटर्न मिले 3 साल में कोई भी जो हमारा फंड है उसमें, और 6% का इन्फ्लेशन था, ठीक है, मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन में आपको डिटेल में, मतलब अलग से अगर इंडेक्सेशन में करना है वीडियो, वैसे तो हमारा एक ऑप्शन, मतलब वीडियो है, बट अगर आपको सिर्फ इंडेक्सेशन समझाना है तो मैं उस पर वीडियो अलग से भी बना सकता हूँ, बट यहाँ पर मोटा मोटा समझा रहा हूँ कि 8% अगर आपका 3 साल में कैगर, राइट, पर एनम आपका रिटर्न है, और 6% का आपको सपोज हमारा इन्फ्लेशन था जो गवर्नमेंट ने CII में बताया है, तो हमें 2%, तो 6% 8% से माइनस हो जाएगा, तो 2% पे हमें 20% टैक्सेशन देना है अगर 3 साल का हमें होल्डिंग पीरियड है, तो 3 ईयर्स से ज़्यादा, 3 ईयर्स से कम तो मैंने बक्को समझा दिया। तो वो किसके लिए वैलिड है? वो है 35% से 65% का इक्विटी एलोकेशन अगर फंड में है,
ठीक है, 65% से ऊपर समझ गए, 35 से 65. तो ये अब कैसा था, ये पहले डेट जो टैक्सेशन था, राइट, 65% से नीचे का जो टैक्सेशन था वो यही था पहले. बट नाउ अब ये सिर्फ 35 से 65% इक्विटी एलोकेशन है, तभी वैलिड है ये वाला टैक्सेशन. अगर 35% से कम इक्विटी एलोकेशन है फंड का, मतलब सारे डेट फंड्स हो गए एक तरह से, है ना, और भी बाकी कुछ हाइब्रिड फंड्स भी हो गए, तो उसमें टैक्सेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस पर जो गेन होगा, आपको 1,00,000 रुपये डाला है, 10,000 रुपये का गेन है, तो आपके टैक्स ब्रैकेट में के हिसाब से वो टैक्स होगा. होल्डिंग पीरियड डजंट मैटर, ठीक है, आपने 1 साल रखा, 2 साल रखा, 5 साल रखा, 10 साल रखा, डजंट मैटर नाउ. जिस जब भी आप उस पैसे को रिडीम करेंगे, जब भी, तो आपको उस टाइम का, उस फाइनेंशियल ईयर का आपका जो भी टैक्स ब्रैकेट है और जो गेन होंगे वो उस फाइनेंशियल ईयर के टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स लगेगा. तो लेट मी एक्सप्लेन आपको, मैं ये जो टैक्सेशन है ये बेटर तरह से समझा पाऊंगा, ताकि कैटेगरी वाइज भी समझा पाएं और एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल थोड़ा सा हम समझेंगे, ठीक है. तो ये मेरा जो पेज है, ये फंडोमीटर का ऑल कैटेगरीज का पेज है, राइट, इन्वेस्ट इतना पे यू कैन गेट इट एंड इट्स फ्रीली अवेलेबल. और इसमें सब रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न्स वगैरह सभी कैटेगरीज का एवरेज अपने को दिखता है, ठीक है. तो अब वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टैक्सेशन किस किस कैटेगरीज में क्या क्या चेंज हुआ है, राइट. तो बेसिकली जो इक्विटी कैटेगरी है, राइट, ये जो कैटेगरी है पूरी अपनी, ठीक है, इतनी, ये कैटेगरी में बेसिकली कोई भी चेंज नहीं है. ये पहले भी सेम टैक्सेशन था. तो पहले टैक्सेशन क्या था इसका, इसका पहले टैक्सेशन था 15% STCG, राइट. तो मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% था और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% था, ठीक है. और 1 ईयर का हमारा होल्डिंग पीरियड, मतलब 1 साल से ज़्यादा LTCG लगेगा और 1 साल से कम STCG लगेगा, ठीक है. इसमें कोई डिफरेंस नहीं हुआ है, ये पहले भी ऐसे ही था और अभी भी ऐसा ही है फ्रॉम 1st April 2023. अब इसके अंदर और क्या क्या आता है, तो ये यहाँ तक तो सेम है, राइट. अब इसमें और ये वाली जो कैटेगरी है ना, ये वाली कैटेगरी, इसका भी सेम ही टैक्सेशन है जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, इक्विटी वाला ही है. इसका भी सेम ही टैक्सेशन है, इक्विटी वाला ही है ये वाली कैटेगरी का, और इसका भी सेम ही टैक्सेशन है. तो ये जो ब्लू ब्लू कलर मैंने जो किए हैं, ये सारे इक्विटी टैक्सेशन के हिसाब से ही हो रहे हैं, राइट. इनमें सब में इक्विटी टैक्सेशन ही है, जो मैंने आपको समझाया. एग्रेसिव हाइब्रिड क्यों है इतना, क्योंकि इसमें 65% से ज़्यादा ही इक्विटी एलोकेशन होता है. इक्विटी सेविंग्स क्यों है ऐसा, क्योंकि इसमें वैसे तो इक्विटी एलोकेशन 35% से 40% होता है, लेकिन रेस्ट जो एलोकेशन लेते हैं ये इक्विटी एलोकेशन के चक्कर में अराउंड 20-25% का एलोकेशन आर्बिट्राज टाइप की अपॉर्चुनिटीज में ले लेते हैं, जो भी इक्विटी माना जाता है. तो ये भी अपना एलोकेशन 65% कर देते हैं, ठीक है. और आर्बिट्राज तो वैसे तो सेफ कैटेगरी है, लेकिन ये भी इक्विटी की ही तरह मानी जाती है, ठीक है, और लिक्विड फंड जैसा रिटर्न देती है. तो ये भी इक्विटी टैक्सेशन पे ही आता है, राइट. तो ये सारे जो टैक्सेशन है हमारे इक्विटी टैक्सेशन है. अब हम बात करते हैं 35% से 65% के बीच में कौन सी कैटेगरी है, जो सेकंड वाला था ना हमारा, उसमें कोई भी अभी कैटेगरी हमारी नहीं है. एक कैटेगरी सेबी ने बोली हुई है, उसका नाम है हाइब्रिड बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड, ठीक है. तो ये जो कैटेगरी थी, इसमें एक सेबी ने क्रिएट की थी, जिसमें 50% इक्विटी का बोला था, मतलब अप टू 50% इक्विटी रखना है और रेस्ट डेट रखना है, ठीक है. ये एक क्रिएट की थी कैटेगरी. इस ये कैटेगरी बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं हुई थी, क्योंकि इसका टैक्सेशन तो डेट की तरह था पहले, और 50% इक्विटी एलोकेशन था, तो ज़्यादा जो है वो लोग इन्वेस्ट करते थे इसी में. अगर मतलब जिनको 40-50% का इक्विटी लेना था, तो वो इक्विटी सेविंग्स को प्रेफर करते थे, क्योंकि उसका टैक्सेशन इक्विटी जैसा है. लेकिन अब जो है शायद ये कैटेगरी स्टार्ट हो जाए और इसके ऊपर NFOs और हमें नए फंड्स यहाँ पर दिखें, ठीक है. क्योंकि इसका टैक्सेशन अब हम समझ सकते हैं कि ये जो पहले जैसे डेट होता था, तो इसमें आपको क्या कहते हैं, इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, ठीक है. और आपको 3 ईयर के बाद, मतलब 3 ईयर के बाद इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, ठीक है. और आपको क्या कहते हैं, 20% टैक्सेशन मिलेगा अगर आप
थ्री ईयर के बाद लेते हैं तो LTCG इसमें मिलेगा आपको, शॉर्ट टर्म STCG इसमें एट द आपका जो भी टैक्सेशन है, मतलब आप जिस टैक्स ब्रैकेट में उस हिसाब से होता है। दूसरा जो कैटेगरी है जो ये 35% से 65% के बीच में है, राइट, जो हो सकता है, तो जिसमें आप अगर ये हाइब्रिड मल्टी एसेट एलोकेशन देखेंगे तो इसमें भी कुछ फंड्स इस टाइप का टैक्सेशन प्रिफर कर सकते हैं, ठीक है। जबकि इसमें मोस्टली फंड मेरे को लगता है 65% इक्विटी रखेंगे मोस्टली, वो रखते हैं अभी भी, लेकिन इसमें ऐसे फंड्स हो सकते हैं जो 35% से 65% वाली जो ये वाली जो कैटेगरी है हमारी, ठीक है, इसमें जा सकते हैं, ठीक है। और कुछ जो मेरे को लगता है कि ये वाला जो अपना कैटेगरी है जिसमें बैलेंस्ड एडवांटेज, राइट, इसमें BAF जो है काफ़ी बड़ी कैटेगरी हो रही है, या फिर डायनामिक एसेट एलोकेशन जो वाली कैटेगरी है, इसमें भी हो सकता है कुछ फंड्स, मोस्टली इसमें भी फंड्स जो हैं वो ब्लू वाले में ही हैं, बट कुछ फंड्स, तो इसमें मैं ये बोल देता हूँ कि ये वाली जो कैटेगरीज है ना, ये मोस्टली ब्लू और येल्लो मिक्स होगा इसमें फंड्स। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये इक्विटी वाला फंड एलोकेशन ले रहा है या ये डेट एलोकेशन ले रहा है, राइट, मतलब 35 से 65% वाला एलोकेशन ले रहा है। तो इस तरह से ये जो कैटेगरीज हैं, मुझे लगता है इसमें कुछ फंड्स ये वाले जो हमारा सेक्शन है इसमें जा सकते हैं, थ्री ईयर वाला जो 35% से 65% के बीच में, ठीक है, ये समझना है। अच्छा, उसके बाद ये जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड रिटायरमेंट है, इसमें तो लॉक इन होते हैं 5-5 साल के, राइट, तो इसमें भी ये दोनों मिक्स रहेगा मुझे लगता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरीज नहीं है, मोस्टली वी टेल पीपल टू अवॉइड बिकॉज लॉक इन की वजह से, बट इनकी भी मेरे को लगता है कि मिक्स रहेगा, या तो ये इक्विटी टैक्सेशन लेंगे या ये 35% से 65% वाला जो ओल्ड डेट टैक्सेशन था वो वाला ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्लान मेरे को लग रहा है कि बनता हुआ नजर आ रहा है। अब जो लास्ट है 35% से कम, जिसमें टैक्सेशन जो है हाईएस्ट लेवल, मतलब जो भी हमारा टैक्स ब्रैकेट है उसके हिसाब से टैक्स लगेगा, आपका 10% टैक्स ब्रैकेट में आपको 10% लगेगा, आप 20% में हो 20% लगेगा, आप न्यू टैक्स रिजीम में 5% वाले में हो तो आपको 5% लगेगा, ठीक है। तो ये जो लास्ट कैटेगरी है जिसमें 35% से कम इक्विटी एलोकेशन है, तो उसमें कौन कौन से हैं, राइट, मैं इसको रेड कलर से कर रहा हूं, तो ये इक्विटी FOF ये भी उसमें इंक्लूडेड है, इक्विटी इंटरनेशनल ये भी इसमें इंक्लूडेड है, और ये पूरी कैटेगरी जो हमारी है, राइट, ये पूरी जो पूरी कैटेगरीज हैं, ये वाली जो मैंने रेड की है, इसमें टैक्सेशन इज एट मार्जिनल रेट। मतलब क्या होता है मार्जिनल रेट का, आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से, बेस्ड ऑन टैक्स ब्रैकेट, ठीक है। और ये भी समझना है कि ये आपको कोई इसमें ये टाइम होराइजन नहीं है कि 1 ईयर के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल, नो LTCG LTCG STCG का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है, सिंपल है, कैपिटल गेन जो होगा वो आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से ऐड होगा, सिंपल है, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसमें कौन कौन से कैटेगरीज हैं, ये है इक्विटी इंटरनेशनल, तो सारे जो इंटरनेशनल फंड्स, चाहे ETF हो चाहे इंडेक्स फंड हो, सब इंटरनेशनल फंड जो US ज्योग्राफी अलग अलग ज्योग्राफीज में थे, सब इस टैक्सेशन में आ गए हैं। मोस्टली कंजर्वेटिव हाइब्रिड भी इस कैटेगरी में, अभी जिस तरह से अभी जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो 15 से 20% इक्विटी एलोकेशन लेता है, अभी जो स्ट्रक्चर है वो भी इसी में जाएगा, अगर अनलेस एंड अनटिल दे प्लान कि भाई हम 15-20% इक्विटी लेंगे और उसके बाद 10-15% आर्बिट्राज लेके इसको 35% तक जा सकते हैं, तो हो सकता है ये वाली जो कैटेगरी है ये भी रेड प्लस येल्लो हो जाए बाद में, तो रेड और येल्लो इसमें दोनों हो सकता है। अभी करंट फेज में जो मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो ये फर्स्ट अपनी रेड में जाएगी जिसमें फुल टैक्सेशन लग रहा है, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो कैटेगरी है हाइब्रिड फंड ऑफ फंड्स, तो फंड ऑफ फंड्स की जो भी बात हो रही है ये भी रेड में जाएगी, ये भी 35% फंड ऑफ फंड सब 35% के कम में जा रहे हैं। गोल्ड कैटेगरी भी इसमें है, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान भी इसमें है, सिल्वर कैटेगरी भी इसमें है, राइट, कई कई जगह पर टारगेट मैच्योरिटी फंड्स जो है उसकी अलग कैटेगरी होती है, वो हमने तो इसी में इंक्लूड की हुई है डेट कैटेगरीज में, तो वो भी इसी में है, उनका टैक्सेशन भी सब रेड वाला है। तो वो चीज़ आपको समझनी है कि क्या क्या चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो जो भी रेड से मैंने मार्क किए हैं कैटेगरीज, उनका टैक्सेशन सिंपल, नो LTCG मार्जिनल रेट बेस्ड टैक्स, राइट, ब्लू से इक्विटी जैसे पहले इक्विटी था, नो चेंज इन इट,
येलो नई एक तरह से कैटेगरी हुई है 35% से 65%, नॉट मेनी फंड्स करंटली, ये नई कैटेगरी जो है मोस्टली आएगी शायद, ठीक है, जो पहले कोई फंड लॉन्च नहीं हुआ था इसमें बिकॉज इट वॉज नॉट वेरी लुक्रेटिव, बट नाउ दिस कैटेगरी में कम बैक, बैलेंस्ड हाइब्रिड कैटेगरी जिसमें 50% इक्विटी 50% डेट है, बाकी ये जो कैटेगरीज हैं इसमें भी कुछ फंड्स बैलेंस एडवांटेज जो मैंने बताया आपको वैसा हो सकता है। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज जो है नया टैक्सेशन विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 वो एप्लीकेबल रहेगा। आपको कोई कन्फ्यूजन है किसमें टैक्सेशन में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट, क्योंकि टैक्सेशन के हिसाब से काफ़ी बार हम अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं और कितना टैक्स फ्री है जो भी चीज़ें हैं हम काफ़ी सारी उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग पे भी आपके थोड़ा इंपैक्ट कर सकता है कि इमरजेंसी फंड कहाँ रखना है, डेट में रखूँ एफडी में रखूँ, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। आपको कोई कंपैरिजन चाहिए कि डेट फंड्स वर्सेज एफडीज, इस तरह का कंपैरिजन भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़ ऑन फ्रॉम टैक्सेशन परस्पेक्टिव ऑन देम, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो मैं अगर आप इनफ कमेंट्स आए इस टाइप के एफडी वर्सेस डेट फंड्स फ्रॉम नाउ आफ्टर टैक्सेशन चेंज इन टैक्सेशन, या डेट फंड्स वर्सेस डायरेक्ट बॉन्ड्स लाइक एनसीडीज वगैरह जो बॉन्ड बाय करते हैं, या डेट फंड्स वर्सेस कंपनी एफडीज, तो अगर वो टाइप के आपको वीडियोस चाहिए, यू वांट मी टू मेक देम, तो लेट मी नो। अगर कमेंट्स इनफ आए, मतलब कोई भी टॉपिक पे अगर 20-20 कमेंट्स आए, तो आई विल ट्राई टू मेक दैट इन द नेक्स्ट मंडे को जो हमारा म्यूचुअल फंड मंडे रहेगा, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दोज टैक्सेशन एज वेल। दैट इज ऑल, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।